जो आज नंदिनी जो नाम है हमारे कर्नाटका में, हर एक आवाम को नंदिनी का नाम पता है। अमूल बहुत कम लोगों को पता है, जितना नंदिनी हर सबको पता है। क्योंकि नंदिनी वो नाम है जो हर किसान के घर से जो दूध आता है उस हर किसान के लब्स पे नंदिनी रहता है। तो जो आज ये सरकार जो कर रही है नंदिनी प्रोडक्ट को, जो गुजरात का है, गुजरात के नाम से अमूल जो है गुजरात का, तो उस गुजरात के अमूल में जो विलीनीकरण करना चाहते हैं नंदिनी को, ये सरासर गलत है। ये हमारी जो कर्नाटका की हर एक लेबर है, हर एक कृषि कुलीकार है, जो हर एक इंसान अपने खेती बाड़ी करके जो अपने गाय भैंसों से दूध आता है, वो दूध दे के जो नंदिनी का नाम बनाया है, आज उस नाम को हम इन गुजरात के अमूल में जाने नहीं दे सकते। जो नंदिनी है वो हमारा गर्व है, हमारा जो गर्व, हम जो अपना ये बोलते हैं, गर्व से बोलते हैं नंदिनी हमारे कर्नाटका की, हम वो अमूल में नहीं डाल सकते। इस बात को हम सब लोग विरोध करते हैं, अमूल में नंदिनी नहीं जा सकता है। इस वजह से हमारे कूली कार्मिक जो है, हमारे रईत बांधव जो है, सरासर उन पे ये जुल्म की बात है। जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी, अगर आप ज़्यादा लंबे में देखेंगे, जो सब्सिडी हर एक लीटर पे मिलता है अपने किसानों को, अगर ये कॉरपोरेट कंपनी के हाथ में चला गया, अमूल के हाथ में चला गया, क्या ये गारंटी देंगे सरकार की वो सब्सिडी उन्हें मिलेगा? नहीं, ये सीधा सीधा कॉरपोरेट कंपनी के बैंक में जाएगा, सीधा उनके खाते में जाएगा। ये हमारे किसानों के हाथ कुछ नहीं लगने देंगे। ये सरासर किसानों की कत्ल की जैसा है। जो हमारे अपना है हमसे छीन कर अगर किसी और को आप दे रहे हो, तो ये कुछ नहीं, हमारे कत्ल जैसा होता है। तो हम नंदिनी को किसी और को बेचने नहीं देंगे। नंदिनी सिर्फ हमारी रईत बांधवों का है, सिर्फ हमारे कर्नाटका के आवाम की है, तो सिर्फ ये हम में ही रहना चाहिए। अभी जो आज कर्नाटका प्रांत रईत संघ और आईडवा जनवादी महिला संगठन जो आज गुलबर्गा डीसी ऑफिस पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो नंदिनी जो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन को जो अमूल के साथ मर्ज करने का जो बीजेपी का एक एजेंडा बन के, एक पॉलिसी बन के जो काम हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट। और प्लस जो फर्टिलाइज़र का जो प्राइस राइज किया गया है, अब आप देखिए किसान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे तो कोई कीमत प्राइस राइज का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, किसान को अनाज उगाने के लिए, तरकारी उगाने के लिए जो फर्टिलाइज़र्स या सीड्स लगते हैं, उसकी कीमत लगातार बढ़ रही है, उसके ऊपर टैक्सेशन लगातार बढ़ रहा है, किसान को इसकी मार तो बराबर झेलनी पड़ रही है, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमत में कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कानून आज तक गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार नहीं है। और उसी के साथ साथ जो कर्नाटका के जनता की और कर्नाटका के किसानों की जो 50 साल की मेहनत से खड़ा किया गया एक बिजनेस फेडरेशन, एक जो सेटअप है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, जिसे हम नंदिनी के नाम से जानते हैं, आज वो 50 साल की कर्नाटका के जनता की मेहनत को ख़त्म कर एक गुजराती कंपनी के हवाले करने की जो राजनीति बनाई है बीजेपी गवर्नमेंट, इसके अगेंस्ट आज कर्नाटका प्रांत रईत संघ और आईडवा जो जनवादी महिला संगठन है, हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोटेस्ट अरेंज किया, डेमोन्स्ट्रेशन किया है यहाँ पर। जैसे कि अभी आपको जनवादी महिला संगठन के स्टेट प्रेसिडेंट कॉमरेड मीनाक्षी बाड़े मैडम ने तफसीली बताया कि जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट की जो हरकत चली है, बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीति है, ये बीजेपी का राज किसानों के लिए नाश और जनता के लिए सर्वनाश बन गया है। आज इतनी बेशरम और बेहया हो गई है ये गवर्नमेंट कि इलेक्शन के वक्त भी ज़रा सा इसको ख्याल नहीं है कि भाई जनता के साथ इस तरीके से, कर्नाटका के किसानों के साथ, कर्नाटका के जनता के 50 साल की मेहनत ख़त्म करने का जो प्लान करके काम कर रही है, इसको ये डर नहीं है कि जनता यहाँ पे इसको इलेक्शन हराएगी। मतलब इसको इलेक्शनों का भी डर उड़ चुका है। आज इतना इस तरीके से ये गवर्नमेंट आंग को उड़ चुकी है, इसको इतना खौफ ख़त्म हो चुका है जनता का कि ये सोच रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है, अभी यहाँ पे जो है तानाशाही चली गई है। और ये बीजेपी की जो तानाशाही हुकूमत है, हम इसको यहाँ से कह रहे हैं
जो ये कर्नाटका मिल्क फेडरेशन नंदिनी को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र बनाया है, इसको ये फौरन ख़त्म कर दे और कर्नाटका की जनता की 50 साल की मेहनत को जो ख़त्म करने की राजनीति और प्लान किया है, इसको फौरन रोक। कर्नाटक में इलेक्शन सामने है और बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी की जो पार्टी है, उसने बेशर्मी से पेश आ रहे हैं कर्नाटक में। दुनिया की कहीं देश में कोई राजकीय पार्टी इतना बेशर्मी से लोगों के साथ कोई पेश आया ऐसा हिस्ट्री में आपको दिखाई नहीं दिया। इसको ये भी डर नहीं है, इलेक्शन है तो कर्नाटक में इलेक्शन है, कर्नाटक वालों को दिल जीतना चाहिए, जितना भी उसको डर नहीं है, क्योंकि लोगों को हिंदू मुस्लिम हिस्से से बांट दिया गया। उसी दरमियान कर्नाटक के जो नंदिनी मिल्क प्रोडक्ट था, नंदिनी जो दूध का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी था, वो एक ऐसा सोसाइटी था वो पूरा लाभ में, यानी कि पूरा फायदे में चल रहा था। इसके दरमियान लाखों कार्षिकों को, लाखों कृषि कूली कार्मिकों को राहत मिलता था, थोड़े बहुत पैसे मिलता था। इतना बड़ा पैमाने पर नंदिनी अब पूरे दुनिया में और पूरे भारत में उसकी जो प्रोडक्शन है, उसका क्वालिटी है, उसके लिए माना जाता था, इसके लिए लोगों के अंदर, लोगों के दिल में एक जगह पैदा रखा था। उस नंदिनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को गुजरातियों ने, गुजरात की जो अमूल प्रोडक्ट है उसमें विलीन करने जा रहे हैं, शेयरिंग करने जा रहे हैं, उसके आड़े में हमारे नंदिनी को बर्बाद करने जा रहे हैं। गुजरात की जो पेजेंट है, गुजरात की जो एग्रीकल्चरिस्ट है, उसको अपनी जगह में फायदे लेने दो, अपनी स्टेट में बेचने दो, अपनी यहाँ फायदे लेने दो। जो कर्नाटक की पेजेंट है, कर्नाटक की जो कार्षिक लोग हैं, उसको अपने फायदे लेने दो, लेकिन गुजराती वालों को फायदा, वो भी गुजराती गरीब लोगों को नहीं, गुजराती कार्षिक लोगों को नहीं है, गुजराती लेबर को नहीं है, गुजरात में बसे हुए जो मारवाड़ी है, दुनिया के सबसे बड़ा रईस माना जाता है, उन लोगों को फायदे पहुँचने के लिए हमारे जो नंदिनी है, कर्नाटक की एक गरिमा है, कर्नाटक की अस्मिता है, कर्नाटक की एक अपनापन है, उस नंदिनी को अमूल में विलीन करते, अमूल में शेयरिंग करने जा रही है, वो सरासर अन्याय है, सरासर बेइंसाफी है। कर्नाटक के लोगों के ऊपर ये बिल्कुल एक शोषण है, बिल्कुल एक बदमाशी है, एक चालाकी है, लेकिन कर्नाटक के लोग नंदिनी को बेचने नहीं देते। हम नंदिनी को हम नहीं छोड़ते। एक दफा हमारे दही के, हमारे जो दही है कन्नड़ में जो मसरू बोलते हैं, उसके ऊपर दही बोल के हिंदी का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई? एक तरफ कन्नड़ भाषा की हत्या, दूसरे तरफ कन्नड़ पेशेंट की हत्या, तीसरे तरफ कन्नड़ आवाम की हत्या, ऐसा करने देंगे? ए मोदी शाह, उठो, सीधा हो जाओ। कर्नाटक के लोग इतने भी बेवकूफ नहीं, तुम्हारे साजिश न समझ पाए उतने भी बेवकूफ नहीं है। पूरे देश को बर्बाद करने जा रहे ये दो मारवाड़ी, ये दो गुजराती पूरे देश को, मारवाड़ियों को और विदेशी पूंजीपतियों को बेचने जा रहे हैं, हमारे लोगों को बर्बाद करने जा रही है। लेकिन हम कतई कभी भी हम अपना खून बहा सकते, लेकिन नंदिनी को नहीं छोड़ेंगे। नंदिनी हमारा अस्मिता है, हमारे कार्षिक लोगों की लाइफ लाइन है, वो लाइफ लाइन है। हजारों लाखों लोग खेड़े गांव में आप जी रहे तो दूध बेच के दूध की जो पैसे आते हैं उसके ऊपर उनका घर चल रहे, उसके ऊपर बच्चों को स्कूल जा रहे, और नंदिनी पूरे फायदे में है, नुकसान में नहीं है। और नंदिनी सोशल वर्क कर रहे, बहुत सारे गरीब प्रतिभावंत बच्चों को फीस भर रहे, हॉस्टल निकाल रहे, इतना अच्छे रहते हुए भी
किस वजह से आप नंदिनी को अमूल में क्लीन शेयरिंग करना चाहते हैं बताइए मोदी जी, बताइए शाह जी, क्यों क्यों जो फायदे में है इंस्टीट्यूशन उसको बर्बाद करने क्यों जा रहे? कन्नड़ा के लोगों के, कर्नाटक के लोगों के ऊपर इतने भी चैजती मत करो, लोग माफ नहीं करेंगे। हाँ, आप गुंडागिरी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, पैसे डाल के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं क्योंकि आपके पास पैसे बहुत है। इस 10 साल में लोगों को जो आपने लूट दिया ना, लुटेरे है, लूटने की पैसा जो बहुत ताकत है ना, पैसा जमा हुआ है ना, उस पैसे से लोगों को खरीदना चाहते हैं, हमारे गरीबी को मजाक उड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन आज कर्नाटक के आवाम इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, इतने भी फालतू नहीं है, जाग चुके हैं। हम नंदिनी को बेचने दे आओ, पहले भी हमारे बैंकों को गुजरात के बैंक में शरीक कर दिया, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को आपने तबाह कर दिया, अपने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में पूरे तबाह कर दिया। लेकिन अब नंदिनी जो फायदे में है इसके ऊपर भी आपका हीन दृष्टि, नीच दृष्टि पड़ गए। अरे कोई भी आपके सिवा, गुजरातियों के सिवा, पूंजीपतियों के सिवा कोई भी अच्छा नहीं जी सकते क्या? अच्छा नहीं जीना है क्या? सब लोग मरना है क्या? नहीं, हम चुप नहीं बैठेंगे, हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं आपको, नंदिनी को कतई आप अमूल में शरीक मत कीजिए, नंदिनी की अस्मिता को बर्बाद मत कीजिए। जो कर्नाटक की आवाम है, कर्नाटक की कार्सिक लोग हैं, उसके ऊपर अन्याय मत कीजिए। नंबर सत्तू नंबर सत्तू नंबर सत्तू नंबर सत्तू नंबर सत्तू।